नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल के लिए जेनन ए रिपोर्ट। आई बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट। केंद्रीय बजट पर बोले व्यवसायी नागरिक, देखें कैमरे में कई। पढ़ें राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल, देख लाइक शेयर करें। पल पल खबर के लिए बने रहा जगदूत न्यूज काम पोर्टल पर। जगदूत न्यूज एजेंसी आपके साथ। रितेश राज वर्मा, स्टेट हेड हैदराबाद। बजट पेश करेंगे, किसानों के लिए अलग से बजट पेश करेंगे। पेश तो किए, लेकिन जो धरातल का काम है, उस धरातल का काम इसमें से एक भी नहीं है। ये काम पूरी तरह से एक तरह से कहिए कि राजनीतिकरण करने के, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए इस तरह से किया गया है। आप एक एक उनके जो मुद्दे हैं उसको देख लीजिए। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको पूर्व से की सरकार से ही वो कार्यक्रम चल रही है। केवल ये जो अपना नामकरण किए हैं, तो नामकरण करने से केवल नहीं हो जाता है ना। आप छात्र हित में किए क्या? आप जो छात्र युवाओं आपसे आस लिए हुए थे कि जब ये सरकार आएंगे छात्र युवाओं को अलग से नौकरी देंगे, जॉब देंगे, तो कहाँ है नौकरी जॉब? क्या केवल कहने भर से रह जाएंगे क्या? यही है बजट। इस बजट को हम क्या, आम लोग किसी के पास जाइए, बजट पूरी तरह से एक तरह से छात्र युवाओं को ठकने का काम किया है, या बजट एक तरह से किसानों को ठकने का काम किया है, या गरीब आवाम को ठकने का काम किया है, पूरी तरह से यह एक तरह से खत्म है। इसको आप सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी मायने से आप किसी भी एंगल से देखेंगे ये आपको सही नहीं दिखेंगे। जो एक तरह से पूरी तरह से इसे निरस्त ही समझिए, या एक तरह से राजनीति रोटी सेकने का काम किया है मोदी सरकार ने। किसान के हित में किस तरह बजट? किसान के हित में क्या कहेंगे? किसान के हित में जो उन्होंने अभी आज बात कही है, वो किसान के हित में पूर्व की सरकार के द्वारा ही वो चीज है। केवल इन्होंने नामकरण किया है। नए नामकरण करने से अब जनता उतने मूर्ख नहीं है जो कि समझ नहीं रहे हैं। जनता बहुत जागरूक हो चुके हैं। जनता को आप बता नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, बल्कि वो आपसे खुद सवाल करता है। जैसे कि हम आज सरकार से सवाल करते हैं कि आपने आज क्या किया। केवल कहने भर से नहीं होता है ना, उसको करना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपके पूरी कैबिनेट जो है एक तरह से आम जन को ठगने का काम किया है। हर युवाओं को, हर किसानों को, आम जन को ठगने का काम किया है। हाँ, आप लोग बजट से क्या की राय है? हमारी राय यही है, लोक बजट से राय मेरी ये है कि ये किताबें बहुत महंगी हो गई हैं। शिक्षा जो है आज के दौरान बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। लोग अच्छे से शिक्षा पर खर्च करना नहीं चाह रहे हैं उतना। और क्या बोले, उतना है नहीं, क्योंकि हम बिजनेस मैन हैं। हमारा बिजनेस है, बिजनेस से किसान के बारे में उतना हमको है नहीं। तो ठीक है, जब से ये मोदी जी आए हैं उसको सुधार हुआ है बिजनेस में। हम लोगों के बजट से आप क्या समझते हैं? किस तरह की जो बजट आई है इसमें जो शिक्षा के प्रति दिया गया है कि महंगाई पे बहुत जरूरी था पकड़ आना, कि आज के समय में जो किताबें, शिक्षा लेकर के लोगों में जो परेशानियां हैं, जो अशिक्षा हमारे समाज में फैली हुई है, जो कि खासकर हम अपने बिहार का ही लेते हैं, तो शिक्षा बहुत पीछे है। हमारा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इस चीज़ के लिए बेहतर विकल्प होना चाहिए ताकि शिक्षा सस्ती से सस्ती हो। और जो सरकारी विद्यालय वगैरह हैं, इनके लिए बजट ऐसा होना चाहिए ताकि ये प्राइवेट स्कूल में जाने की कोशिश ना करें। और जहाँ तक कि अभी का बजट बता रहा है कि किताबें महंगी हो गई, क्यों भाई? और सस्ती होनी चाहिए थी ये चीज़ें, क्योंकि इससे हमारा भविष्य तय होगा आगे। और रही बात आगे किसानों वगैरह की, तो किसान को आत्महत्या ना करना पड़े। हमारे पूरे देश भर में ऐसा बजट होना चाहिए कि किसानों को राहत मिले। हमारे किसान दिन रात खटते हैं और उसी पर निर्भर करते हैं, उसी आमदनी पर उनका पूरा परिवार चलता है। और वो अगर सही नहीं होंगे तो हमारे देश की तरक्की कैसे होगी? हम खाएंगे क्या? हमें अनाज के लिए भी दूसरे देश से हाथ फैलाना पड़ेगा। यात्रा के लिए किस तरह बजट? रेल यात्रा हो या बस यात्रा हो? हाँ, रेल यात्रा से संबंधित कुछ खास नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये चाहते हैं कि जैसे कभी ट्रेन अगर टाइमली होती है तो लोग अगर मिस कर देते हैं तो उनकी ट्रेन छूट जाती है, ट्रेन निकल जाती है,
और या फिर हम लोग टिकट कैंसिल करने जाते हैं तो हमें पेनल्टी भरना पड़ता है उसका। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ट्रेन कभी टाइम से लेट होती है तो लोगों को भी उसका पेनल्टी मिलना चाहिए। क्या नाम है? पेनल्टी से मतलब अगर ट्रेन लेट होती है, मेरी ट्रेन अगर 7 बजे थी अब वो आती है 9 बजे, तो 2 घंटे का पेनल्टी हमें भी मिलना चाहिए। क्यों हम 2 घंटे लेट इंतज़ार किए ट्रेन का इसके लिए? क्या नाम है? सौरभ कुमार पटेल। काम भी ना है, काट दे मैं काट।